तो गाइस जो आज की वीडियो है वो होने वाली है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। आज मैं पूरे 24 आवर्स बिताने वाला हूँ केरावेल के अंदर। ओए मैं अकेला बिताने वाला हूँ, तुम वहां से आ गए भाई, इतनी लग्जरी गाड़ी है। गाइस जब मेरा कोई हार्ड चैलेंज होता है तब तो ये भाग जाते हैं, आज आ गए यहाँ पर, आज तो हम भी रहेंगे भाई। मैं आपको बता देता हूँ जो है ना ये केरावेल वो यार काफी ज्यादा लग्जरी होने वाले है भाई। इसी के अंदर बाथरूम भी है, किचन भी है और इसके अलावा दोस्तों बेडरूम भी है। जी हाँ, फुल लग्जरी, एसी से लेके टीवी से लेके सब कुछ है, फ्रिज से लेके सब कुछ लोडेड है। तो गाइस इसी के अंदर हम भी जाएंगे पूरे 24 Over! Yeah! चलिए दोस्तों अब चलते हैं केरावेल के अंदर और जो इसका अंदर का इंटीरियर है वो आपको बताते हैं। ओ भाई यहाँ पर आप देखो गाइस कितनी मस्त लग्जरी है यार। आहा, क्या मस्त सोफे लगे हुए, लेकिन है ना लाइटिंग कम है, फटाफट से ना मैं लाइटिंग जलाता हूँ सारी की सारी। देखो आप, अब और देखो यहाँ पे ना जो ये रूफ लाइट वो यार काफी अच्छी लग रही है। देखो मैंने सारी की सारी लाइट जला दी है और अब चलाते हैं एसी। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी एसी, ये स्टार्ट हो चुकी है भाई। इतने ज्यादा तेज गर्मी है, हालत खराब हो जाएगी ऐसे तो 24 आवर्स इसमें रुकने में, तो एसी तो अपने को चाहिए ही चाहिए। जी हाँ, और दूसरी चीज यहाँ पे है ना जो ये सोफा वो दोस्तों आराम से हम अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखो भाई इतनी आवाज क्यों कर रहा है, आराम से मस्त सो जाओ। देखो और सेम टू सेम ये भी इसी तरीके से बन जाएगा। और जो ये आगे की तरफ जो ये सोफा है ना, ये वाला सोफा ये दोस्तों बन जाता है बेड। जी हाँ देखो, ये दोनों को मिलने के बाद में बनता है बेड। तो ये देखो गाइस ये बेड बन चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर हम सो सकते हैं रात में। और अगर हमारा टाइम पास ना हो तो गाइस आगे है टीवी, तो हम आराम से टीवी भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यार दिक्कत वाली बात होगी तब जब हमारे पास खाना नहीं होगा, तो यार उसका भी जुगाड़ है। यहाँ पे गाइस बिल्कुल स्पेस का अच्छी तरीके से यूज करके इस तरफ दिया हुआ है अपना छोटा सा किचन। जी हाँ, और इसके अंदर नीचे है ये मिनी फ्रिज। और गाइस इसके अंदर हमने रखी है बहुत सारी खाने पीने की चीजें। जी हाँ दोस्तों, ये दूध है, कोल्ड ड्रिंक है, ये किंडर जॉय, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, चॉकलेट वगैरह। लेकिन वो उसी को ही मिलेगी जो दोस्तों चैलेंज में जीतेगा, यानी कि हम चैलेंज में भी चैलेंज करने वाले हैं। जी हाँ, तभी तो आएगा यार मजा। सिंपली किसी को भी खाने पीने की कोई भी चीज नहीं दी जाएगी, हमारे बीच में कंपटीशन होगा और जो भी कंपटीशन जीतेगा उसी को ये खाने पीने की चीजें मिलेगी। बाकी लोग भूखे मरो, कैसे भी मरो, कुछ भी करो, ठीक है। और ऊपर गाइस यहाँ पे आप देख लो, ये है माइक्रोवेव जिसके अंदर भी हम आराम से खाना वगैरह पका सकते हैं। तो इसको करते हैं बंद फिलहाल। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ये है इलेक्ट्रिक चूल्हा, ये दोस्तों पतीले वगैरह, थाली वगैरह, ये सारी चीजें पड़ी हुई है। और इस साइड के अंदर है कप वगैरह और ये है केटल जिसके अंदर हम कॉफी वगैरह बना लेंगे। तो आप देख सकते हो कितनी सारी चीजें है भाई, जगह का है ना फुल यूज हुआ है यहाँ पर। तो भाई इसके अंदर तो अपने काम की चीजें कुछ भी नहीं है, टिश्यू पेपर वगैरह है। और यहाँ पर ये है एक छोटा सा डस्टबिन, जो अपने काम की चीज है वो है दोस्तों ये। तो आप बताओ क्या हो सकता है ये। गाइस इस जगह पर है बाथरूम, लेकिन कितना छोटा सा है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर सारी चीजें हैं जो कि एक बाथरूम में होनी चाहिए। जी हाँ, टॉयलेट सीट, गीजर, वॉश बेसिन, सब कुछ सारी चीजें हैं। लेकिन आपको लगेगा ही नहीं क्योंकि ये काफी ज्यादा छोटी स्पेस में बना हुआ है। देखो तो चलिए ओपन करते हैं और आपको अंदर से बताते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से ये होगा ओपन। और देखो आप, ये रहे टॉयलेट सीट, ये रहा गीजर, और इतनी कम स्पेस के अंदर है ना इस पूरे के पूरे मामले को सेट किया है भाई, लाजवाब, एक नंबर। यार इसको तो बताना भूल ही गए गाइस, ये एक और सोफा है जहाँ पर भी हम सो सकते हैं भाई। तो अब देरी किस बात की, फटाफट से इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। ओए आ जाओ, यार आज तो मजे करेंगे। यस 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 यस, गेट बंद कर, गेट बंद कर भाई साहब। क्या है भाई, आज तो पूरे मजे करेंगे, मस्त मुझे पसंद नहीं है, चिल करेंगे। तुझे पसंद नहीं है, अभी आएगा पसंद, देखना इसको, इसकी जहाँ पर जगह है इसको वहाँ पर डालो। तो चलिए अब चलाते हैं केरावेल को। चलो भाई यहाँ पर है ना ये शीशा खुलता है वहाँ से। ओपन कर, ओपन भैया, चालू करो चालू। गाइस यहाँ से है ना हम पीछे से आगे भी आ सकते हैं। देखो आप, मस्त इतना बड़ा रास्ता है यार। Let's go.
भैया चलने दो हम क्या गाइस, मेरा तो रास्ता भी बंद हो चुका है और अभी भैया कर रहे हैं ड्राइविंग। हेलो भैया, जो ये चैलेंज है ना वो इनके लिए आसान होने वाला है, लेकिन यार जो आपका भाई है वो बिल्कुल भी चैलेंज को आसान नहीं होने देगा। जी हां गाइस, चैलेंज में भी फुल चैलेंज रखेंगे। इसके अंदर सुख सुविधा की सारी चीजें, सुख सुविधा गई भाड़ में भाई। एक सुविधा बंद होने वाली है, एक घंटे बाद में ये बाथरूम कोई नहीं खोलेगा, कोई भी यूज नहीं करेगा भाई, तभी तो चैलेंज हार्ड होगा। नहीं नहीं ऐसा आज नहीं करेंगे, कल मॉर्निंग में गाइस, कल मॉर्निंग में ना बाथरूम किसी को यूज नहीं करने देंगे। और अगर कोई भी हार मानता है तो वो खाएगा जोलो चिप्स। नहीं यार, जोलो चिप्स गाइस बहुत सिंपल चीज है। सोचो स्ट्रीम लेवल, स्ट्रीम गटर के अंदर आ डालेगा ये, इसको गटर ही याद आता है हमेशा, सोगला है ना हमेशा, गंदे गंदे आइडिया लेके आता है। तो क्या हो गया, तो मस्त आइडिया, बहुत हार्ड है ये भी। हाँ गाइस यार, हार्ड तो है, जो भी सबसे पहले बाहर निकलेगा वो दोस्तों संडास में हाथ देने वाले हैं अपना, इसके अंदर हाथ डाल के आगे पता चलेगा कौन गटर में हाथ डालता है। जो ज्यादा बोलते है ना वो एंड में हारते हैं, मैं चुपचाप बैठा हूँ। गाइस आप अपनी दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब हम खेलने वाले हैं मौत का खेल। जी हाँ दोस्तों, अब इसका मुंह उतर चुका है देखो, क्योंकि जो ये गेम है ना वो यार काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मैं मारने वाला हूँ मोनू को, मोनू मारने वाला है किशोर को, किशोर मारने वाला है मोटे को, मोटा मारने वाला है मुझे, और फिर ये सर्कल चलते रहने वाला है। भाई जो सबसे लास्ट में हार मारने वाला है ना उसको देखो आप, भाई इतना बड़ा ये पैक मिलेगा उसको वेफर्स का, और यहाँ पे इतना बड़ा बिस्किट का पैकेट, इतनी बड़ी डेयरी मिल्क किंडर जॉय, इतनी बड़ी कोल्ड ड्रिंक, और भाई थर्ड नंबर वाले के भी आप देख लो किस्मत के अंदर क्या क्या है भाई, इतनी बड़ी कोल्ड ड्रिंक, ये वेफर्स, जैसे ये है ना ये 40 वाला है तो ये है गाइस 20 वाला। तो इसी तरीके से ना हमने जो प्राइस है ना उसको डिसाइड किया है। तो चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं। मनु तैयार है तू? तैयार हूं मार। क्या यार ये देख पोजीशन ही नहीं बना रहा है। ओए पोजीशन में आया, मार ना तू। क्या है यार, हिल रहा है, नीचे वाले जल्दी हिल रहा है यार, जल्दी ठोक यार मेरे को इसको मारने। रुक जा आपकी दिल की धड़कनें बढ़ रही है। मैं नहीं खेल रहा, मैं हार मान गया, मुझे नहीं खेलना इस पार्टी के सामने, मेरा तो हार गया। मैं तो ये चीज इतने में गुस्से में अब ये आ चुका, अब तुझे मोटे को माननी होगी यार। बच गया मैं तो गाइस, मेरे को इतने ही खाने मेरे को। गाइस मोटे की लग चुकी है और फाइनली मैं भी हार मानूंगा। ओए ऐसे नहीं है, हार मान। यस तुम खा लो ना यार, खा लो ना, कोई मुझे नहीं खानी यार, मार बोला जीता, ले लो आराम से लो यार, मुझे इसको मारना है। क्या ओए ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है, ऐसे नहीं है, हार मान लिया, ऐसे नहीं है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो गाइस यहाँ पे हम दोनों हार मान चुके हैं और अब इन दोनों के बीच में गेम होने वाला है। फर्स्ट वाले को मिलेगी इतनी सारी चीजें भाई, और सेकंड वाले को मिलेगी इतनी सारी चीजें। भाई हम तो गरीब आदमी है, इतने से खुश हो गए कोई नहीं, इतने में पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा वो यार। मार खाइए हमने तुमने, तो तुम दोनों को ज्यादा चीजें भी तो मिलेगी, मार खाइए। तो मैं तो अपने चालू करूं यार अपना सीजन, अरे देखते हैं ना मस्त। हां चलो करो यार, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, मारता हूं तेरे को। हार मान लेना था, अब क्या है, फाइनल। ओए मेरा खाएगा क्या किशोर, देख इधर। हां मेरे को नहीं खाना, ठीक नहीं चुराने वाले थे ना, तो नहीं चुराएंगे, मजे दे दे, तेरी शक्ल देख के नहीं चुराने वाला मैं तेरा। अरे हाय आज तो बिना मार खाए मलाई मिल गई। कैसा लगा? हमारा तो पेट भर जाएगा शाम का खाने का जुगाड़, वो तो हम हमारा भी कर लेंगे, हम टेंशन मत लो, चुरा लेंगे, चुरा कर ले जा, उठा कर ले जा। नहीं उठेंगे तो नहीं है, दोनों मोटे हैं, हम चुराएंगे, हाथ रुलानी पड़ेगी गले में टक्के। तो यहाँ पे आप देखो मेरे पास में इतनी सारी चीजें अभी भी बची हुई है,
तो मैं भी आराम से खा पी लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किंडल जॉइन में देखो ये भुना हुआ चमगादड़ निकला है मेरा कुछ ऐसा। यार टिक्कर विक्कर से टॉय निकलते यार, पहले अच्छे निकलते थे। मेरा सुपरमैन, तेरा सुपरमैन हथौड़ी हथौड़ी नहीं, कहां पर है? तो अजीब सा लग रहा है तेरे जैसा। जो भी है मेरे पास तो ये पता नहीं पीला मुंह वाला कौन निकला चिचुंदर। अरे ये पेंगुइन है, डिजिटल डायनासोर। डिजिटल डायनासोर को तो साइड में छोड़, इतनी सी बची बस तेरे पास। गाइस हम सबके पास देखो इतनी इतनी सारी चीजें है भाई। ये देखो सबसे ज्यादा कम जीता था ये, जीता देखो फिर भी मेरे पास इतनी सारी चीजें। चोर है तेरे, तुम सबके सब चोर है, सारे चुरा लिए मेरे। गाइस कोई चोर नहीं है गाइस, मोटा हो रहा है खा के। देखो इतनी सी चीज बची है इसके पास अब। तो तुम्हारे पास इतनी कैसे? हमने खाया ही नहीं इतना सारा, खाया ही नहीं, सब खा गए तुम, सब खा गए। चोर मैंने जो जीता था मेरे पास में, ठीक है। डस्टबिन भर गए इसने। मेरे पास तो अभी भी काफी सारी चीजें यार। ये भी आराम से चैलेंज पूरा कर लेगा यार। मेरे पास बिस्किट भी है, आराम से खाऊंगा रात को। बस खाना ही है, निकालना नहीं है, ठीक है। गाइस अब हम चारों के बीच में होने वाला है डांस कंपटीशन, और आप वोट दोगे कि कौन अच्छा डांस करे। जी हाँ दोस्तों, आई बटन पे क्लिक करके वोट जरूर देना। तो सबसे पहले बारी है मोनू की। मोनू कौन से गाने पर डांस करेगा तू? पीली लुगड़ी। चल ठीक है, चला। ओए रेडी है? ओए ओके, चला चला चला, मैं कैसे उठाऊंगा? आ तू रुक जा रुक जा। गांधी जी का मंदिर लग रहा है। हटा हटा हटा, अब एक किशोर की बारी है। नाच नहीं है, अब देख मेरे सामने ये सब कर रहे हैं। किशोर तेरे को कौन सा गाना चाहिए? मेरे को चाहिए। अरे क्या कर रहे हैं, गाना चल रहा है। बंद करो बंद करो, बहुत है बहुत है। और नहीं चला जाएगा, और नहीं चला जाएगा। अब इसकी बारी, मोटे चल। ओए मेरा गाना चला। कौन सा गाना? अरे यार ओए चमिया, हां इसको मेरी साथ में नचाऊंगा मैं चमिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। गाइस इसको बुक करेंगे, बुक करेंगे। आपको बुक करना तो सारे चारों डालो मेरे अकाउंट में। गाइस मुझे तो बिल्कुल भी डांस नहीं आता, बस एक ही मैंने स्टेप सीखा था मेरी पूरी लाइफ में, जो भी बचपन में सीखा था, ठीक है ना। तो अभी मैं बताऊंगा ना तुझे, ठीक है ना। मेरे गाने तैयार है। इससे अच्छी तो समना चौधरी नाचती है। अरे बाहर रे, समना चौधरी तो वैसी अच्छी नाचती है। आप कमेंट करके बताओ किसका डांस अच्छा लगा। उमेश सिमरावत का नहीं, आप कमेंट करके बताओ। आप कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, कमेंट करो। गाइस बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है और रात हो चुकी है। जी हाँ, तो यार एक बार फिर हमारी जो कैरावेन है उसका जो इंटीरियर है वो तो बताना बनता है, क्योंकि जो रात का लुक है ना वो गाइस एक नंबर आने वाला है। तो जला दो लाइटें। यस भाई कितना प्यारा लग रहा है यार। एक और भाई सेवन स्टार होटल। गाइस दिन से ज्यादा रात का माहौल अच्छा है। जी हाँ, क्योंकि है ना इसका जो अंदर का इंटीरियर से लेके जो लाइटिंग वो सारी मैच कर रही है बिल्कुल परफेक्टली। एक नंबर का यार भाई, क्या देख रहा है किशोर तू? ये बाहर का माहौल को मिस कर रहा है, की हवा भी नहीं ले सकते यार। ये कांच खुलने वाले नहीं है। यही तो है, एसी है ना अंदर। किसने बिठा दिया यार इसको यहाँ पर? बाहर निकाल देते हैं। हाँ इसको पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। बाहर चला जा, बाहर चला जा, कोई नहीं मेरे को नहीं डालना। शक्ल तो तेरी वैसी लेटरिन जैसी है, हाथ तो डालना उसमें, वो तो मोटा जाएगा उसमें। देखते हैं गाइस कौन जाएगा, बाकी भूख लग रही है यार। ये रुक जाए फिर कॉफी बनाएंगे यार। हाँ गाइस यहाँ पर है ना हम अब खाना भी बनाने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे पास, तो आराम से मजे लेंगे और यहाँ पर खाना बनाएंगे। तो इस पे एक बार रुकने देते हैं और फिर बनाते हैं खाना। तो गाइस अब हम बना रहे हैं मैगी, क्योंकि यार भूख लग रही है बहुत जोरों वाली। जी यार, अरे यार इसको किशोर इसको खिला दे यार कुछ। मेरे सारे कुरकुरे बिस्कुट खा गया तू। सबसे ज्यादा तुम चोर, तू है चोर। सोने खाए सोने खाए, तू है खानो इसका, खाओ सबका खा गया तू। दोनों चोर। इसके बारे में ये कहां जा रहा है यार, इसका सिस्टम चोर दिखाई नहीं दे रहा क्या? देखना चोर चोर खेल रहा है ना फिर। हां यार डिवाइड हो रहा है सब जगह डिवाइड हो रहा है। बाकी यार अबे ना भूख लग रही है तेज वाली, और हमारे पास है एक दूध की थैली। तो मोनू कॉफी अभी बनाएगी या मॉर्निंग में? मॉर्निंग में बनाएंगे कॉफी, मॉर्निंग में पियेंगे यार, क्योंकि गाइस एक ही टाइम कॉफी बनने वाली है। तो हम बनाएंगे मॉर्निंग में कॉफी, अभी बनाते हैं मैगी, सिंपली खाएंगे पियेंगे और सो जाएंगे। और यहाँ पे ये रहे मेरे कुरकुरे, इनको नहीं पता ये मैंने देखो छुपा रखे है। ये झूठ और नाम ले रहे मेरा कि तूने खा ली भाई। ये तो मेरे से, ये देख
ये इतने ही है मेरे पास, ये मैं ना मॉर्निंग में खाने वाला हूँ आराम से। ये किसके? ये मोटा मोटे क्या मेरे 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 कुछ नहीं, ये बैठो बाहर फेंकूंगा खिड़की में सीधा जाएगा, अभी देखना थोड़ी देर में। किशोर एक नंबर का चोर है आपकी कसम, ये बहुत खराब इंसान है ये। तेरा ही तो भाई है, भाई है लेकिन फिर भी चोर है ये। मार रहा है आपकी कसम, तू कम है, तू कम है चोर से, ये बताना। तू कम है चोर, मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की, ये चोर है एक नंबर का। कुरकुरे बिस्किट सब चुरा लेता है, कोल्ड ड्रिंक तक चुरा ली इसने मेरी। चोरी कर करके तो चारों तरफ से फैल गई, कोल्ड ड्रिंक तक चुरा ली, चोरी कर करके तो चारों तरफ से, तो भी ऐसे रहेगा बिल्कुल खत्म। चोरी कर करके चारों तरफ से फैल गया, पता नहीं तो भी इतना कुछ करो लड़ाई मस्त। मेरी बात सुन, इतना कुछ कर लिया, चोरी कर ली, कुरकुरे खा लिए, बिस्किट खा लिए, कोल्ड ड्रिंक तक पी गया, फिर भी खत्म है तू, फिर भी कुछ नहीं होने वाला तेरा। पागल मैंने लगना नहीं चाहिए, क्या लगना नहीं चाहिए, मैंने चोरी करी है। चोरी है तो तूने करी है, लग रहा देख। मैंने कहा करी है भाई, इतना तो मेरा पेट है, ये मेरे शुरू से ही है, अभी अभी से थोड़ी है कोई। कौन चोर? चोर तू है, चोर पड़ी नहीं कभी क्या, खा खा के पार्टी की तरफ खेल रहा है। तेरा बाप खिला रही क्या मुझे? गाइस फ्री फोकट की हमने मूवी देख ली आराम से, मस्त फाइटिंग। तब तक मैगी भी रेडी हो गई, मैगी भी तैयार हो गई। मैं तो मैगी खाऊंगा, मैं तो उधर ही आएगी, उधर ही यार। ये गांव नहीं बसता उससे पहले भिखारी कहां से आते हैं यार। शक्ल भी गटर जैसी है, गटर खाने में क्या दिक्कत है तुझे ये बता। भाई यहाँ पे आप देख लो जो हमारी मैगी है वो यार बन के तैयार हो चुकी है, हमारे पास एक प्लेट है यार, आप खा लेंगे अपन तो कोई दिक्कत। वो लगा लगा फटाफट से यहाँ पे है ना, हम अपने टेबल लगाने वाले हैं और खाएंगे मस्त मैगी। अच्छी है वैसे मैगी, ये अच्छी नहीं लगी इसकी तरह काली, मैं तो नहीं खा। एक नंबर का झूठा, आप देख सकते हो मैं कैसी कैसी तबीयत ठीक थी मेरे साथ। बिस्कुट खाएगा यार, ऐसे तो भूखा मर जाऊंगा मैं। हम गरीबों के बिस्कुट देखते हैं, ले लो। थैंक यू। ओके गूगल टाइम क्या हुआ? इट्स 12:17 AM भाई, 12:17 और अभी तक तो कोई भी हार नहीं माना है, चारों बंदे अंदर हैं, लेकिन मॉर्निंग में है ना मैं चैलेंज और भी हार्ड करने वाला हूँ। अभी तो सोने देते हैं यार, आधी रात हो चुकी है, मुझे भी नींद आ रही है, सो जाते हैं। अब किशोर तू वहाँ पे सोने वाला है? मैं यहाँ सो रहा हूँ। हम दोनों सोएंगे यहाँ पर, मोटा है पीछे देख लो आप, मोटा सोएगा पीछे। शिवराज अंदर गया, उसको अंदर बंद कर देते, बाथरूम गया, मोटा बाथरूम गया। अरे यही काम है किसी को बाथरूम में बंद करने, और कोई काम नहीं है तेरे को? नींद नहीं आ रही यार मेरे को, 12 बज रही है रात की, सो जाना चुपचाप। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं गेट किसने बंद किया। खोल दे यार, क्या है? क्या खोलूं? हाँ आवाज नहीं आ रही है गेट, अरे गेट पे चिटनी की वो लगी हुई कुंदी यार। सो जा अंदर, सो जा, अरे अंदर बाहर मच्छर खाएंगे तेरे को। जाने मन तो बहुत गोरा है, बाहर मच्छर खा गए ना तो तू काला पड़ जाएगा, अंदर ही सो जा। इतनी तो जगह ही नहीं है यहाँ पर, फिर से चल जाएंगे हम। धमकी दे रहा है, हमको धमकी दे रहा है, अंदर बड़ा रे मोनू। तेरे को गेंडा बोल दिया, मोनू अब तो खोलना ही मत, तेरे को भी घसीट के बाहर फेंकूंगा, गेट खोल दे वरना। अब तो अंदर रहने दे, भाभी धमकी दे रहा है वो अंदर से, सबको घसीट घसीट के बाहर फेंकेगा।
गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और जो बाहर का मौसम है ना वो भाई काफी ज्यादा प्यारा है यार। मस्त सुहाना मौसम हो रहा है यार, सुबह की मॉर्निंग एक नंबर है। पता नहीं अभी हमारी गाड़ी कहाँ पर है, लेकिन जहाँ पर भी है जो बाहर का व्यू है ना वो एक नंबर मिल रहा है हमारे को। बिल्कुल लाजवाब, देखो हरियाली हरियाली है और चारों तरफ देखो खेत ही खेत आ रहे हैं। मन कर रहा है कि अरे गेट खोल के बाहर चले जाए। जी हाँ, बोर हो चुके हैं यहाँ पर। मैं तो उठ गया और बाकी उठे नहीं अभी तक। ओए उठना, उठ मोटे को बाहर निकाल, गटर में है वो। ओए वो रात से मंदिर ही है तो गटर में है, बाहर निकाल उसको। रुकी सर, उसको उठो, लात मार। उठ उठ, उसको बाहर निकाल। मोटे को रात को बंद किया था ना तूने? गाइस हम भूल गए थे भाई रात को बंद करके उसको। अंदर ही वो। अब देखो आप कमाल, वो कुत्तों की तरह लड़ेगा हमसे। भाई भाई ये शर्ट खोल के सो रहा था, गर्मी हो रही थी इसको। हेलो मोटे भाई, देखो शर्ट खोल के सो रहा था क्योंकि उसको गर्मी हो रही होगी भाई खतरनाक वाली। मजा आया, बाथरूम जाके आ जा। अरे मैंने नहीं किया यार बंद तुझे। मुझे नींद आ गई थी, कैसे बोलू। वैसे है ना हम आराम से सो रहे थे, मैं यहाँ पे सो रहा था, किशोर वहाँ पे सो रहा था। मोनू ने क्या, मोनू ने क्या भाई, ये वहाँ पे लड़ने लग गए। बस है ना यही काम होता है यहाँ पर, लड़ते जाओ लड़ते जाओ, लड़ो। WWE की फाइट, जो भी जीतेगा उसको मिलेगा मेरी तरफ से ₹500 का पुरस्कार। गाइस मैं इनकी लड़ाइयों में नहीं पड़ता हूँ, हमेशा दूर रहता हूँ मैं, बस मजे लेता हूँ मजे। मोहन लड़ रहे हो, तू बुरी तरीके से लड़ रहे है। मोहनों की तो गलती भी नहीं है, फिर भी लड़ रहे है वो। अरे यार मत कर रहे यार, दिमाग खराब कर रहे थे। गटर में अच्छी नींद आई थी सच्ची में, मन तो कर रहा है इनको एक एक को खिड़की में से फेंक दूं। हम कॉफी बना के बेच लूंगा तभी तभी तो छोड़ रखा है। कॉफी बनाते हैं यार। जी हाँ भाई यार, अब है ना ऐसा आलस टाइप आ रहा है तो कॉफी वगैरह बनाएंगे। किशोर जल्दी तैयारी कर। मैं तो कुछ नहीं करने वाला, रात भर से बहुत परेशान कर दिया। तो पिएगा कॉफी बना के? तो ये जा चुका है दूध अंदर। पूरी थैली की बना लेते यार, एक बार पूरी बना ले, पूरी बना ले, एक ही तो है अपने पास, जल्दी बना। ये टाइमर सेट कर देता हूँ मैं, 4-5 मिनट में चाय बन जाती है मेरे ख्याल से। गाइस यहाँ पर हम बुरी तरीके से भूखे मर रहे हैं और जो हमारी कॉफी वो भी बन चुकी है। इसके अभी तक बिस्किट बचे हुए हैं, मेरे भी बिस्किट बचे हुए हैं, एक पैकेट है मेरे पास। मेरा पता नहीं रात को 20-20 को खा गया यार। मोटे बिस्किट देना। मैं नहीं दे रहा हूँ, मेरे को दे। मेरे ये चोर खा गए दोनों यार। मैं क्या करूँ, तेरी शक्ल में दिखा तो मुझे। तुम दोनों मत दिखाओ। किसने खाया? तुम तीनों मत दिखाओ मेरे को शक्ल। मैं अपन दोनों भाई है यार, कॉफी बना के पिला रहा हूँ और ज्यादा होशियारी कर रहा है। बंद तो तुमने किया ना, तीनों ने साजिश करके। यो लो तुम्हारा दे देता हूँ, ये ले गरीब, ये ले मजे ले तू। मैं तो किसी को भी नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं पास नहीं दे रहा भाई। हम सब गरीब हो चुके हैं, सबका खाना खत्म हो चुका है और अब जो ये चैलेंज है वो दोस्तों काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। जी हाँ, अब देखते हैं कि यार इस चैलेंज को कौन पूरा कर पाता है। बाथरूम को लॉक कर, कोई नहीं जाएगा। क्यों बंद कर दे? क्यों नहीं जाएगा? कोई नहीं जाएगा। क्यों भाई, चैलेंज हार्ड, मेरे को लग रहा है इसने कुछ कर दिया। जी हाँ गाइस, सही बोल रहा है, अब बाथरूम में कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी बाथरूम को यूज नहीं करेगा। ये तो पूरी रात चैलेंज होने वाला है हार्ड, मुझे नहीं पता हो गया गाइस, क्योंकि अभी मॉर्निंग में है ना किसी ने भी पोटी वगैरह सुसु वगैरह कुछ भी नहीं की है और अब चैलेंज हार्ड होता है, मैं भी यूज नहीं करूंगा। गाइस बाथरूम अब ओपन नहीं होगा। जो भी इसकी शक्ल देखो गाइस, जो है इसको लग रही है, इसको लग रही है पोटी वगैरह भाई। अब है ना चैलेंज हार्ड हो चुका है, तगड़ा वाला, कोई भी बाथरूम यूज नहीं कर सकता। 5 घंटे बाकी है लेकिन चैलेंज खत्म। किशोर बोर हो रहे हैं ना? हाँ यार, बाहर की हवा खानी, ये कांच भी नहीं खुल रहा है। मेरी बात सुन, छोटे मोटे हम चैलेंज नहीं करेंगे, गाड़ी चलाने चलते अपन आगे। हाँ यार आगे चलते, इसको ऊपर जाओगे। क्या बोला? ले गया ऊपर, हम जा रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए। हमारी मर्जी, चलाने हम क्या करें, जिंदगी तो हमारी है ना, जिंदगी हमारी तो हम क्या करें, हमारी भी जिंदगी। ओपन कर, हम तो जा रहे हैं। किशोर जा, अब है ना जो ड्राइवर है उनको हम भेजेंगे पीछे और हम चलाएंगे गाड़ी। नहीं बाहर आ जा, वापस आ। अरे जाने देना उसको आगे, वापस। अरे मेरी, अरे अंदर आ, वापस आ जा। अरे भाई हमारी जिंदगी की डोर अब उन दोनों के हाथ में, अब पता नहीं हमारा क्या होगा, सही सलामत घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्या लगता है? ऊपर वाले से प्रार्थना कर ले, बचा ले ऊपर वाले।
गाइस हमारे को भले कितनी भी लग्जरी दे दो लेकिन हम है बिल्कुल देसी आदमी, हमारे को ऐसा वाला वातावरण नहीं चाहिए गाइस, बिल्कुल खुला खुला वाला। आज नीचे करके आराम से बात, आराम से मजे लो। तो गाइस भैया नीचे उतर चुके हैं, किशोर तैयार है तू? हाँ बिल्कुल। भाई यार गाइस मेरे से गलती हो गई, मैंने याद दिला दिया इसको, अगर ये गलती ना होती ना तो मजा आ जाता यार। अभी तो इतना उड़ने जाता ये क्या जाता हाथ। गाइस किशोर चला रहे गाड़ी और इनको लग रहा है डर, किशोर को 10 नंबर गाड़ी चलाने में। तू कितने देगा? अभी तो 2 ही है। तू 7 नंबर। किशोर ये मोनू 2 नंबर दे रहा है बस तुझे, अभी इसको मजा चिखाता हूँ। गाइस हमारे को तो है ना ड्राइवर ने भी भगा दिया बेइज्जती कर कर, और वापस हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। अब बुरी तरीके से बोर हो रहे हैं यार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चैलेंज हमारा खत्म होने वाला है। खत्म हो गया रे भाई, तो मेरी बात सुन, अब तो है ना कर सकते हैं ना बाथरूम यूज। हाँ बाथरूम तो यूज कर ले। अरे रुक जा, क्या थोड़ा सा टाइम हो रहा भाई, जोरदार वाली सुसु लग रही है यार। अब बाहर जाके करेंगे ना पूरा। गाइस इसने है ना फुल फायदा उठाया है भाई, फुल फायदा, क्योंकि है ना रात भर बाथरूम में था, दबा के यूज किया, और बाद में है ना ये रूल्स हो गए कि हम बाथरूम यूज ही नहीं करेंगे। अब हालत खराब हो रही है और अभी तक कोई भी हार नहीं माना है, और थोड़ा सा टाइम बाकी है। 9 8 7 6 5 4 3 2 5 ओ भाई फाइनली हम बाहर आ चुके हैं। तो गाइस इस वाले चैलेंज को तो हमने कंप्लीट कर दिया है, और अब है आपकी बारी। हम सोच रहे हैं क्यों ना यार हम एक कैरावेन बनाए। जी हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो के ऊपर आते हैं 2 लाख लाइक तो हम अपनी खुद की पर्सनल कैरावेन बनाने वाले हैं। गाइस पूरी की पूरी वीडियो डालेंगे, मतलब कि कैसे बनाएंगे, कहाँ से खरीदेंगे, सब कुछ टोटल, और हम अपने हाथों से बनाने वाले हैं पूरा इंटीरियर, ठीक है ना। तो फटाफट से 2 लाख लाइक कंप्लीट करो, और यहाँ जो 3 मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट है ना वो भी पूरा करो। तो मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद जय भारत।